आज मौसम चेक करिए आप लोग तो एकदम खत्म है बिल्कुल। ये मेरे को टीचर ने काफी ज्यादा सुनाया कि कभी भी गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल की मतलब तालमेल आपस में सही से नहीं बन सकता है। बहुत ज्यादा मुश्किल से तो मन करता है स्कूल जाने का और ऊपर से ये। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, यार कैसे हो सब लोग। आई होप कि सभी लोगों को एकदम बढ़िया। मैं भी यहाँ पर एकदम मस्त। बाकी आज मैं हो गया स्कूल के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम बाद रेडी, क्योंकि वैसे तो मैं पिछले 2 दिन से स्कूल जा रहा हूँ तो मेरे को ब्लॉग बनाने को बिल्कुल भी टाइम ही नहीं लग रहा था। तो आज सुबह अभी भी मैं लेट हो चुका स्कूल के लिए, मतलब वैसे अभी टाइम हो रहा है 8:30 या 9:15 के करीब। तो मैं यहाँ से 8:30 बजे मतलब मैं रेडी होना शुरू होता हूँ, फिर 9 बजे मैं घर से खाना वगैरह खाकर निकल जाता हूँ। तो आज सोचा कि ब्लॉग बनाता चलूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया ब्लॉग बनाने को। शाम के टाइम पर मेरे को ब्लॉग बनाने को टाइम ही नहीं मिलता और सुबह भी मैं जल्दी निकल जाता हूँ, तो इस चक्कर में ब्लॉग जो है रह जाता है। आज सोचा कि मैं बनाऊंगा ब्लॉग, तो सुबह उठा, थोड़ा जल्दी उठने की कोशिश की। वैसे मैंने अलार्म 6 बजे की लगा ली थी, लेकिन फिर भी मैं 8:30 बजे उठाऊँ क्योंकि आदत नहीं है। पहले से मैं 12:12, 1:1 बजे जब सोकर उठना है तो आदत तो वैसे भी ख़त्म हो जानी है। फिलहाल मैं नीचे जाते हैं और रेडी वगैरह मतलब मुँह वगैरह धो लेता हूँ। मैंने अभी तक मुँह भी नहीं धोया, मैं उठाऊँ और सीधा ड्रेस वगैरह डालिया, उसके बाद सोचा ब्लॉग बना दूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया ब्लॉग वगैरह नहीं डाले। पिछले 2 दिन से मैं स्कूल गया तो धूप में एकदम बुरियाल हो गए, लेकिन आज मौसम चेक करिए आप लोग तो एकदम ख़त्म है बिल्कुल। धूप वगैरह तो अभी तक तो धूप नहीं है, बाकी बादल बादल है आसमान में। मैं बस शर्ट के साथ स्कूल जाने वाला हूँ, उम्मीद करता हूँ कि मेरे को ठंड बिल्कुल भी ना लगे, फिर तो खराब भी हो जाना है सीन, क्योंकि ठंड में फिर नहीं बैठा जाता है वहाँ पर, क्योंकि अंदर तो वैसे ही क्लासों में ठंड लगती है, बाहर धूप में बैठते तो काफ़ी ज़्यादा तेज़ धूप लगती है। अभी आज धूप ही नहीं है तो क्या ही फ़ायदा। वैसे मैं पिछले साल भी मैंने स्वेटर नहीं ले जाए थे स्कूल और इस साल भी मैं नहीं ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि अब 10-15 दिन सारी बच गया है स्कूल के, तो स्वेटर ले जाके क्या ही करना है। बाकी अभी टेस्ट पे टेस्ट चले हुए हैं और कल से शायद से शिवरात्रि की छुट्टी है, कल और परसों की, और परसों तो वैसे भी संडे है उसकी छुट्टी है, और शिवरात्रि की कल छुट्टी है, और मंडे को मैं खुद से छुट्टी करने वाला हूँ क्योंकि मैं मेरा जो नाखून है ये मैं नहीं कटवाना चाहता हूँ, इसलिए मैं मंडे को स्कूल नहीं जाऊँगा। फिलहाल मैंने बाल वगैरह अपने प्यारे वाले बाल बिल्कुल एकदम ख़त्म कटवा दिया, वैसे ऊपर से तो फिर भी थोड़ी बहुत रखे, साइड से बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया। कोई बात नहीं, अभी मैं नीचे जाता हूँ खाना खाता हूँ, उसके बाद निकलता हूँ स्कूल। अगर टाइम बचा तो ब्लॉग बनाऊंगा, नहीं तो फिर मिलता है शाम को। गाइस अभी मैं पहुंच चुका हूं घर को स्कूल से वापस, और अभी टाइम हो रहा है शाम के 4:30 बजे का। मतलब यहां से जो स्कूल है थोड़े ही दूर है, लेकिन हम लोग मजे से चले जाते थे, थोड़ा सा टाइम लग जाता है। बाकी यार एक चीज़ है कि आज जो है पता नहीं क्यों पर स्कूल से मेरे को टीचरों ने काफ़ी ज़्यादा सुनाया, अब उसके बारे में मैं बाद में बात करूँगा। फिलहाल मैं आप लोग को एक चीज़ बता देता हूँ कि जब मैं स्कूल में गया था तो हम लोग जैसे कि धूप में बैठते, ऊपर से आपको बताया कि मेरे को धूप से कितनी गंदी वाली मतलब गंदी मेरी और धूप की कभी बनती नहीं है, तो धूप में पूरा का पूरा दिमाग ख़राब हो जाता है। तो क्या करें यार, मजबूरी अभी धूप में बैठना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ठंड हो गई है, तो मजबूरी है धूप में बैठने की। ऊपर से जो अभी वाला शाम का टाइम है, आज तो वैसे उतनी तेज़ धूप नहीं लगी थी, लेकिन जो भी यार सही नहीं है, मैं कल से स्कूल बिल्कुल भी नहीं जा रहा हूँ। उसके पीछे का रीज़न मैं आप लोग को बताता हूँ कि आज क्या हुआ कि मतलब पहला जो दूसरा पीरियड होता था हमारा, तो उसमें टेस्ट था हमारा, टेस्ट में मैंने याद नहीं किया था, मैं स्कूल में याद करता था, लेकिन आज जो पहला पीरियड है वो थोड़ा लेट तक लगा, तो दूसरे पीरियड में जो टेस्ट था वो याद नहीं कर पाया मैं, मतलब टाइम नहीं लगा याद करने को। तो फिर मतलब बहुत कुछ सुनाया, वैसे मार वगैरह नहीं पड़ी वो अच्छी बात है, लेकिन सुनाया बहुत कुछ जो कि मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, तो कल से मैं बिल्कुल भी स्कूल नहीं जा रहा हूँ। और तीसरा पीरियड जैसे ही हुआ गाइस, वैसे ही मेरे बालों के लिए बोल दिया कि ये जो बाल है ये बिल्कुल कटवा के ले आइए, वरना इसमें आग लगा देंगे। अब आग तो वैसे तो नहीं लगाया गया यार, वो तो आपको भी मालूम है मेरे को भी मालूम है, लेकिन फिर भी यार अच्छा नहीं लगता ऐसे जब बाकी बच्चों के सामने मेरे को सुनाया ना, पहली बार सुनाया मतलब पूरा साल हो गया था, पिछले तो बिल्कुल कुछ भी नहीं मतलब ना सुनाया, कुछ बोलते भी नहीं थे, लेकिन आज पता नहीं क्यों, पता नहीं दिन खराब था या क्या बोले, वो तो कुछ नहीं बोल सकते उस बारे में। बाकी अभी शाम के टाइम की धूप है, काफ़ी ज़्यादा गंदी सी आगे से रोशनी आ रही है मेरे को पता है, और इसीलिए मैं शाम के टाइम पर वीडियो कभी भी नहीं बनाता, दिन के टाइम पर बनाता हूँ। कल से जो है कल और परसों की, कल शिवरात्रि की छुट्टी है, परसों संडे है, लेकिन मंडे से मैं खुद से स्कूल नहीं जाऊँगा, देखते अगर सैटरडे तक बना। वैसे मैं पूरा सप्ताह स्कूल नहीं जाने वाला हूँ, फाइन ही दे दूँगा गाइज, वैसे लीव शायद से लीव दे दूंगा गाइज, अगर लीव नहीं लगेगी तो फाइन ही दे दूंगा मजबूरन, कोई चक्कर नहीं है गाइज, क्योंकि मेरे को स्कूल नहीं जाना है, बस इतनी सी बात है। बहुत ज़्यादा मुश्किल से तो मन करता गया स्कूल जाने का और ऊपर से ये ऐसा ऐसा कर देते, बिल्कुल आज मूड एकदम खतरनाक वाला ख़राब हो गया था स्कूल में, और अभी भी ऐसी अजीब सा लग रहा है। ऊपर से यार भूख बहुत ज़्यादा तेज़ लग रही है, आदत काफ़ी ज़्यादा टाइम पहले से नहीं है लंच ले जाने की स्कूल को, तो भूख लग रही है। अभी नीचे जाता हूँ मैं, खाना वगैरह खाता हूँ, कपड़े वगैरह चेंज कर लेता हूँ, वैसे ज़रूरत नहीं है क्योंकि कल की छुट्टी है, तो धो देनी है वैसे भी ड्रेस, तो कोई बात नहीं। अभी फिर भी मैं जाता हूँ खाना वगैरह खाता हूँ, ड्रेस वगैरह चेंज करता हूँ, उसके बाद मिलता हूँ आप लोग से। 5 minutes later
अभी गैस में खाना वगैरह खाकर और ड्रेस वगैरह चेंज करके पूरा आ गया हूँ अभी रोड को। अभी मैं कहाँ पर हूँ तो पीछे आप लोग चेक करेंगे, वही वाली क्रेची मोड़ है जहाँ पर मैं पहले वीडियोस बनाया करता था जब मेरा यहाँ पर रूम होता था। उसके बाद मैंने यहाँ पर वीडियो नहीं बनाई है, एक बार बनाई थी शायद से। तो अब मैं आपको सही से बताता हूँ हुआ क्या था। तो देखो, सबसे पहली बात यह है कि मेरे ज़िंदगी में आज तक जितने भी टीचर हैं उनमें से सिर्फ और सिर्फ एक या दो टीचर ही है जो मतलब मेरे को अच्छे लगते हैं। बाकी सारे के सारे टीचर पता नहीं क्यों पर बहुत ज़्यादा मतलब उस टाइम पर मार देंगे या उस टाइम पर बोल देंगे जब पहले से मूड ख़राब हुआ पड़ा होता है और वो ज़्यादा दिल पर लगती है बात। अब ऐसा नहीं है, टीचर बोलते भी है, घर वाले भी बोलते हैं, लेकिन फिर भी यार पता नहीं क्यों पर अच्छा सा नहीं लगता। मैं एक और चीज़ आप लोग को बताऊँगा जो कि मैं अभी नहीं बताऊँगा, जब मेरी प्लस टू हो जाएगी उसके बाद बताऊँगा, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ है कि आपने वो सुनोगे कि दुनिया मतलब ही है। तो उन्हीं उसी दुनिया में मैं भी, इसलिए मैं भी मतलब ही गाइस। अभी मैं अपने मतलब के लिए वो चीज़ आप लोग के साथ शेयर नहीं करूँगा, लेकिन जब मेरी प्लस टू हो जाएगी उसके बाद मैं वो चीज़ आप लोग को बताऊँगा। वो बहुत ही ज़्यादा मतलब मैंने काफ़ी टाइम पहले से सोच कर रखी हुई है और वो मैं तभी बताऊँगा क्योंकि अभी मेरे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसीलिए मैं नहीं बता सकता हूँ। तो जब मैं बताऊँगा वो आप लोग को पता चल जाएगी। ऊपर से ये ब्लॉग जो है काफ़ी ज़्यादा छोटा होने वाला, क्योंकि कल से मैं डेली ब्लॉगिंग करूँगा क्योंकि मैं घर में ही हूँगा गाइस, मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ। अभी मेरे को वही सर मिले थे जिन्होंने मेरे को सुबह बोला था, जो कि बिल्कुल भी मेरे को अच्छा नहीं लगा था। कोई बात नहीं गाइस, अभी बोलते रहते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो भी है प्लस टू के बाद मैं वैसा नहीं रहूँगा जैसा मैं अभी हूँ। और एक और चीज़ बताता हूँ मैं आप लोग को कि कभी भी गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल की मतलब तालमेल आपस में सही से नहीं बन सकता है। अब जैसे मैं पहले यहाँ पर था तो यहाँ पर फुल पावर अपना राज चला होता था, जो करना था वो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, मार वगैरह भी पड़ती रहती थी, कोई दिन खाली नहीं जाता था, लेकिन जो भी था सही था। अब यहाँ पर भी कुछ रीज़नों की वजह से ही छोड़ा गया, इस मेरे को नहीं जाना था यहाँ से, पर क्या कर यार, कुछ मजबूरियाँ आ जाती है ऊपर से। पर मतलब मैं जब गया था तो मेरे शुरू से उनके साथ बिल्कुल भी नहीं बन रही थी, बच्चों टीचरों के साथ बिल्कुल भी नहीं बन रही थी, लेकिन अब तो बिल्कुल ख़त्म वाला सीन हो गया गाइस। पता नहीं क्यों पर हर साल जब भी कोई साल ख़त्म होता तो लास्ट में ही ये चीज़ होती है। साल तो वैसे हो गया ख़त्म, लेकिन क्लास ख़त्म होनी है गाइस। स्कूल को छोड़ते गए, स्कूल से जाते जाते मेरे दिल में बिल्कुल भी अच्छी चीज़ें नहीं भरी है। बाकी ऐसी त्यार आज की सारी वीडियो, आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, जो जो चैनल पर न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसी वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए उस बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दिया, और जिस जिसने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो किया है इंस्टाग्राम पर फॉलो कर दिया, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। एकदम रेडी फुल पावर, हाय चुप।